दोस्तों ब्लू कलर की जो नई अपाची 162V रेसिंग मोड वाली जो है ये वेरिएंट जो थी ना, इसकी वीडियो तो आपने चैनल पे देख ली थी। तो आज की वीडियो में हम जो है कंपैरिजन करेंगे जो ओल्ड जो है अपाची आती थी 162V में और नई वाली में क्या क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्या प्राइस का डिफरेंस है, वो भी बात करेंगे। फटाफट से बात करते हैं और कलर आपको जो है यहाँ पर दोनों में से कौन सा फेवरेट है आपका, ये ज़रूर मेरे को बताएं अपाची में। तो सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस जो इसकी, जैसे कि इसमें आपको आर एम एडोन है ना, वो है रेसिंग मोड। तो अब आपको इसके हर एक वेरिएंट में अगर आप जो है लेते हैं तो इसमें आपको मोड मिल जाएंगे, यहाँ से प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं। अभी आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कैसे ऑपरेट करने हैं। तो अब आपको इसमें प्राइस जो बड़ी भी मिलती है वो 4 से 5 हज़ार रुपये, ये जो है महंगी रहेंगी पुरानी वाली से जो है। तो फटाफट से कंपेयर करते हैं, ये इसका सिंगल डिस्क है पुराना वाला और ये इसका डबल डिस्क वेरियंट है। तो फटाफट से सबसे पहले जो है यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस मैं बता देता हूँ, वही 4 से 5 हज़ार रुपये का जो है ओल्ड वर्सेज जो है न्यू रहने वाला है। और इसकी जो है सबसे टॉप एंड वेरिएंट जो इसमें स्मार्ट एक्स कनेक्टेड फीचर्स आया ना ब्लूटूथ वाला, उसकी एक्सशोरूम रहती है 1,25,000 रुपये। बाकी यहाँ से अगर आप ऑन रोड एग्जैक्ट प्राइस जानना चाहते हैं टीवीएस की कोई सी भी बाइक की, तो यहाँ आप संजय टीवीएस रुद्रपुर में आप जो है आ सकते हैं। फटाफट से आप जो है कंपेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ से फ्रंट, मतलब दूर से तो आपको यहाँ पे नहीं लगने वाला कि दोनों में कुछ डिफरेंस है, लेकिन अगर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा ना तो आपको यहीं पे जो डिफरेंस है कई सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले फ्रंट आप देखें तो ये चीज़ जो है थोड़ी चेंज करी गई है, डिज़ाइन आपको इसका चेंज मिलेगा। वहीं इसका देखते हैं तो इसका जो है आपको कुछ ऐसा शार्प सा पहले मिलता था, जो कि कुछ आपको जो है चेंज मिल रहा है। और ये आपको पूरा जो काउल है ये थोड़ा सा इसका भी जो है मॉडिफाई किया है, यहाँ से आप देखें तो थोड़ा एरोडायनामिकली, क्योंकि अब जो स्पीड है ना वो थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें जो आपको मोड मिल रहे हैं वो आपको जो है तीन मोड मिल रहे हैं, अर्बन जो है, रेस और जो स्पोर्ट्स मोड। तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा जो है एरोडायनामिक जो है डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी गई है। वहीं अगर आप जो है हेडलैम्प देखते हैं तो हेडलैम्प अब पूरी LED हो चुकी हैं, यहाँ से आप देखते हैं पूरी LED लाइटिंग सेटअप, ये DRLs रहेंगी, ये LED लाइटें रहती हैं इसकी हेडलैम्प में। पहले हेलोजन में आती थी, यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो आपको इसमें कुछ इस तरीके से जो आपको जो हेडलैम्प मिलती थी, DRLs तो मिलती थी पहले, लेकिन जो हेडलैम्प्स है ना वो आपको जो है LED में आपको यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं ना कुछ ऐसी मिलती थी, LED में नहीं मिलती थी जो है पहले आपको हेडलैम्प्स। तो ऐसा कुछ जहाँ सेटअप था पूरा, तो पूरा अब LED में कन्वर्ट हो चुका है। और जो इंडिकेटर्स अब जो है कुछ इस टाइप के मिल रहे हैं आपको, हेलोजन में ही रहेंगे, लेकिन काफ़ी जो डिज़ाइन है आप छोटा कर दिया गया है। पहले से काफ़ी बड़ी बड़ी जो यहाँ पे है आपको इंडिकेटर्स मिलते थे ऐसे जो देखते हैं, काफ़ी मतलब डिज़ाइन को मैच भी नहीं कर रहे थे, काफ़ी बड़े भी लग रहे थे, तो इनका थोड़ा डिज़ाइन भी चेंज अप करा है। साथ ही साथ जैसे ही आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको ग्राफिक्स हैं वो चेंज मिल जाएंगे अब की बार। यहाँ से जो है पुरानी में कुछ ऐसे ग्राफिक्स आते थे, अगर आप फ्रंट में देखें यहाँ भी आपको कुछ ऐसे ग्राफिक्स मिलेंगे। बहुत लोगों को पुराने ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं, तो ये आपके ऊपर चॉइस रहती है आपको पुराने अच्छे लग रहे हैं या नए, लेकिन नए वाले में जो है ना वो आ चुका है ये कार्बन फाइबर टेक्स्चर इस तरीके का रहता है। तो कलर के हिसाब से भी ग्राफिक्स यहाँ पे जैसा कि ग्रे लेंगे उसमें आपको जो है येलो कलर के जो है रेड के जो है यहाँ पर जो है रिप्लेस करके येलो वाला आपको जो टोन मिलती है तो कुछ ऐसा मिलेगा। बाकी टायर प्रोफाइल तो सेम टू सेम रहती है, डिस्क भी दोनों में सेम रहेगी 270mm की, सिंगल चैनल ABS अब भी दिया जा रहा है इसमें दोनों में, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी थोड़ा ग्राफिक्स में चेंज है और फ्रंट का आपने देखा इंडिकेटर में और जो हेडलैम्प में चेंज मिलेगा। जैसी साइड प्रोफाइल की ओर आते हैं तो साइड में ये पार्ट थोड़ा इसमें ऐड ऑन किया गया है, जो कि आप देखें ना पहले नहीं आता था, यहाँ पर आपको ये ऐड ऑन मिलेगा, तो ऐसा कुछ दिया गया है। बाकी स्टिकरिंग यहाँ थोड़ी जो है कम हो चुकी है, पहले यहाँ पे आती थी, यहाँ से थोड़ी कम गई है, जिससे कि जो है ये घोड़ा जो आप देख रहे हैं ना, घोड़ा भाग भाग के थोड़ा सा नीचे आपको जो है यहाँ पर खिसकता हुआ देखने को मिल रहा है, पहले थोड़ा ऊपर सा आपको देखने को मिलता था ये, जो कि आप देखें ये ब्लैक कलर में है, अब इसमें जो है आपको थोड़ा सिल्वर टोन में आपको जो है थोड़े मैट टोन आपको जो है ये गन मेटल शेड में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा चेंजेस ग्राफिक्स में है, फ्रंट लाइटों में किया गया है। जैसे ही आप नीचे देखते हैं तो नीचे जो इंजन प्रोटेक्शन काउल होता है ना इसको भी थोड़ा एक्सटेंड किया गया, जिससे कि आपको प्रोटेक्शन और मिले, लेकिन फाइबर में ही रहता है ये। पहले सिर्फ इतना छोटा सा आता था, अगर आप देखें ना इतना छोटा सा ही मिलता था पहले आपको, इसमें भी आपको TVS की रेसिंग मिलती थी पहले ही, लेकिन थोड़ा छोटा था, लेकिन इसे अब थोड़ा एक्सटेंड थोड़ा और बड़ा कर दिया गया है, तो ऐसा रहेगा। अब इंजन की बात करता हूँ सबसे पहले मैं, तो इंजन जो अब नया है ना, नया तो आप नहीं कहेंगे इसे, लेकिन इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें आप रेसिंग मोड आ गए हैं,
तो इसमें आपको जो स्पोर्ट्स मोड मिलेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर आपको मिलती है 16.04 PS की। वहीं अगर आप इसे चेंज करते हैं थोड़ा, आप इसे जो है अगर अर्बन मोड में चलाएंगे या फिर जो है रेन मोड में चलाते हैं तो आपको जो पावर मिलती है इसमें, आपको जो मिलेगी पावर वो थोड़ी जो है ड्रॉप मिलेगी 13.32 न्यूटन मीटर टॉर्क की, जिसमें कि थोड़ा पावर ड्रॉप है। तो ऑब्वियसली बात है आपको माइलेज आपको ज़्यादा अर्बन और रेन मोड में इसमें मिल जाती है। तो पहले इसमें जो है कोई भी मोड नहीं आता था, सिंपल सा आपको जो है अपने हिसाब से ही चलाना पड़ता था इसे, लेकिन इसमें अब मोड आ चुके हैं। अब मोड कैसे सेलेक्ट करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो साइड से आप देखें पूरा इंजन का जो है कलर सेम टू सेम है, वही पूरा ब्लैक्ड आउट मिल रहा है, यहाँ से कुछ आपको डिफरेंस देखने को शायद ही मिले। थोड़ा पीछे अगर आप चलते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक्स में थोड़ा जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है थोड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको ग्राफिक्स एड ऑन हो चुके हैं। तो थोड़ा बहुत ग्राफिक्स हर पैनल पे जो है हर जगह चेंज किए हैं यहाँ से। अब ज़रा पीछे की ओर चलते हैं, सीटें एकदम सेम टू सेम मिल रही है, यहाँ पे रेड स्टिचिंग के साथ में सेम टू सेम रहेगी। जैसे ही आप पीछे को आते हैं तो पीछे टेल लैंप्स कुछ इसमें ऐसी रहती हैं, यहाँ से देखें ऐसा कुछ डिज़ाइन मिल रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है टेल लैंप्स का, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। LED में ही रहती हैं टेल लैंप्स, और इंडिकेटर्स भी पीछे के भी चेंज मिलेंगे आपको। पुरानी वाली में कुछ ऐसे आते थे, अब नई वाली में ऐसे दिए गए हैं। और साइड रिफ्लेक्टर तो इसमें मिलेंगे। ये डबल डिस्क वेरिएंट है जैसे कि मैंने बताया, तो 220 mm की डिस्क इसमें पीछे मिलती है। ये ड्रम वेरिएंट तो आपको इसमें 130 mm की डिस्क पीछे मिलेगी। टायर साइज सेम टू सेम है, 110 mm का चौड़ा टायर मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ रहता है, पीछे से प्रोफाइल आप देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों जरा इसके मीटर कंसोल की ओर। सबसे पहले पुरानी वाली अपाची का देख लें मीटर, तो इसमें जो आपको जो टैकोमीटर मिलता था ये आपको एनालॉग में मिलता था, इसी में आपको जो है सारी इंजन चेक लाइट्स मिलती थी। और यहाँ पे इसका डिजिटल स्पीडोमीटर रहता था जिसमें कि आपको टाइम और साथ ही साथ आपको जो है फ्यूल लेवल ये सारा कुछ बताता था। तो अब जो ये चेंज हो गया ना, ये हो चुका है कुछ ऐसा फुली डिजिटल टाइप का, जो कि आप जो है 160 अपाची 4V में देखते थे वैसा ही दे दिया गया है। ये नेगेटिव डिस्प्ले टाइप सारा कुछ आपको इसमें दिखा रहा है। यहाँ पर RPM मीटर यहाँ पे है, जो स्पीड ये है, साइड स्टैंड ट्रिप पे ट्रिप भी, इंजन चेक लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। तो अब ये मीटर कुछ ऐसा फुली डिजिटल हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये पुरानी वाली ही मतलब थीम है वो पसंद आती थी। आप मेरे को बताएं आपको कौन सा जो है अच्छा लगता है इसमें मीटर कंसोल। और यहाँ पर जो है रेसिंग मोड, जैसा कि मैंने बताया ना RM जो इसमें बताया गया है रेसिंग मोड के लिए बताया गया, तो अब इसमें आपको रेसिंग मोड भी मिलेंगे इसके जो है सिंगल डिस्क वेरिएंट से ही, स्पोर्ट्स रेन अर्बन जो भी आप चलाना चाहें। ज़्यादा ही पावर चाहते हैं आप हाईवे पे तो आपको स्पोर्ट मोड पे यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है पहले नहीं मिलती थी। और इसमें ये वाला वेरिएंट वैसे ब्लूटूथ वाला नहीं है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट, क्योंकि इसके टॉप वेरिएंट में वो मिलता है, ये वाला वेरिएंट वो नहीं है। तो उसका जो है आपको क्या है, आप जो डाउनलोड करेंगे ना वो ऐप, तो इससे जो है आप ब्लूटूथ जो है यहाँ से जो है पेयर करके सारे जो फीचर्स हैं जो इसके कुछ जो है अपने फ़ोन में देख सकते हैं। कॉल SMS अलर्ट यहाँ पे भी आपको यहाँ पर बताएगा। तो ये कुछ आपको जो डिफरेंस है आपको पता लगे होंगे मेजरली। इसमें रेसिंग मोड आ गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर्स आ चुका है, कुछ ग्राफिक्स जो है यहाँ पे चेंज किए गए हैं पुरानी वाले के कंपेरिजन में, और थोड़ी जो है प्राइस बढ़ाई गई है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।